नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान अभी बेशक नहीं हुआ हो, लेकिन इन सब के बीच जिलेवार जो तैयारी है वो अपनी ओर से चल रही है। और मुजफ्फरपुर की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरपुर के पंचायत पदाधिकारी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं और कई जानकारी मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव को लेकर दी है। चलिए सबसे पहले कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं। एक मतदान केंद्र पर होंगे अधिकतम 850 मतदाता। ईवीएम से पहली बार होगा पंचायत चुनाव। चार पद के लिए ईवीएम से पंचायत चुनाव, दो पद के लिए बैलेट पेपर से चुनाव। 10 चरणों में होंगे बिहार के पंचायत चुनाव। 6,38,00,000 मतदाता करेंगे मतदान। भरे जाएंगे 2,58,000 पद। प्रचार के लिए नहीं होगा धार्मिक स्थान का इस्तेमाल। चुनाव प्रचार में राजनीतिक दल के झंडे के इस्तेमाल पर रोक। बाढ़ वाले इलाकों में अंतिम चरण में होगा चुनाव। चलिए इस पर पंचायत पदाधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। पंचायत निर्वाचन 2021 में हमारे मुजफ्फरपुर जिले में 10 चरणों में मतदान होने हैं। प्रत्येक चरण में हमने ध्यान रखा है कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसको सबसे अंतिम चरण में ले जाया जाए। इसके अतिरिक्त हम लोग को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश के क्रम में कैमूर जिले से भी हम लोग को 25 सदस्य ईवीएम प्राप्त हुए हैं और यहां से टैगिंग सेकेंड टैगिंग के पश्चात कुल हम लोग ने 6,355 ईवीएम समस्तीपुर को भी हम लोगों ने दिया है। इस प्रकार तैयारी चल रही है, ईवीएम की तैयारी हो रही है, प्रशिक्षण की भी तैयारी हो रही है। शीघ्र ही प्रशिक्षण का भी काम किया जाएगा। कार्मिकों को भी सूचना हम लोग दे रहे हैं ताकि उसका चयन हो जाए, ससमय हम लोग इस काम को पूरा कर सकें। मुजफ्फरपुर में 10 चरणों में जो पंचायत चुनाव होना है उसका प्लान भी तैयार है और इसमें खास बात यह है कि बाढ़ ग्रस्त इलाके में सबसे अंतिम चरण में चुनाव होगा। चलिए बताते हैं कि प्लान क्या कुछ है। पहले चरण में होगा मड़वन और सरैया प्रखंड में चुनाव। दूसरे चरण में होगा सकरा और मुरौल प्रखंड में चुनाव। तृतीय चरण में होगा मुसहरी और बोछा प्रखंड में चुनाव। चौथे चरण में होगा कुर्नी प्रखंड में चुनाव। पांचवें चरण में होगा साहिबगंज और मोतीपुर प्रखंड में चुनाव। छठे चरण में होगा कांडी और मीनापुर प्रखंड में चुनाव। सातवें चरण में होगा गायघाट और बंदरा प्रखंड में चुनाव। आठवें चरण में होगा पारू प्रखंड में चुनाव। नौवें चरण में होगा औराई प्रखंड में चुनाव। दसवें चरण में होगा कटरा प्रखंड में चुनाव। तो बता दें कि माना ये जा रहा है कि जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन इन सब के बीच बिहार तक की टीम रोज सुबह 8 बजे आपके लिए पंचायत चुनाव से जुड़ी हर जानकारी लेकर आती है ताकि जो हमारे पंचायत चुनाव के उम्मीदवार हैं, जो मतदाता हैं, उनको पूरी जानकारी मिलती रहे और आगे चलकर जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा उसकी जानकारी भी बिहार तक की टीम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आपको देगी। अगर आपकी भी पंचायत चुनाव में दिलचस्पी है तो सुबह 8 बजते ही बिहार तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर जो पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर आपको हम देते हैं उसको जरूर देखिए। साथ ही बिहार की खबरों के लिए भी आप बने रहिए हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।